देख बिना ब्रेक डाउनलोड टक ऐप। जम्मू कश्मीर को लेकर मलेशिया के प्रधानमंत्री महातीर मोहम्मद को टिप्पणी करना भारी पड़ गया। अब उस गलती को मलेशिया सुधारना चाहता है। दरअसल मलेशिया की ओछी हरकतों की वजह से भारत ने उससे पाम ऑयल के आयात में कटौती कर दी। मलेशिया अब अपने पाम ऑयल को बेचने के लिए जद्दोजहद कर रहा है। दोनों देशों के बीच बीते महीने से जारी तनाव को कम करने के लिए कूटनीतिक चैनल के जरिए बातचीत की कोशिशें जारी है, क्योंकि मलेशिया को भारत की नाराजगी का नुकसान उठाना पड़ रहा है और पाम ऑयल में 11 सालों की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली है। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े पाम ऑयल उत्पादक देश मलेशिया को पाम ऑयल की बेंचमार्क कीमतों में शुक्रवार को पिछले 11 सालों की सबसे बड़ी गिरावट दर्शी गई। इससे मलेशिया के तेवर नर्म हो गए हैं और अब वो भारत से बातचीत करना चाहता है। अगले हफ्ते दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक होनी है। इससे इतर मलेशिया के वाणिज्य मंत्री डारेल लाइकिंग पीयूष गोयल से मुलाकात करेंगे। इस बैठक को लेकर अभी तक कोई एजेंडा तय नहीं किया गया है, मगर माना जा रहा है कि संबंधों में सहजता लाने के लिए ये बैठक महत्वपूर्ण होगी और मलेशिया को इस बैठक से बड़ी उम्मीदें भी हैं। अपने किए का अंजाम भुगतने के बाद मलेशिया पाम ऑयल को लेकर भारत के साथ विवाद को बढ़ाना नहीं चाहता। वो भारत के साथ कूटनीतिक स्तर पर बातचीत के जरिए मसले को हल करना चाहता है। पाम ऑयल के अलावा भारत में कस्टम अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे मलेशिया से आयात होने वाले माइक्रो प्रोसेसर्स की क्वालिटी कंट्रोल पर कड़ी नजर रखें। इन चिपों का प्रयोग टेलीकॉम डिवाइसों को बनाने में होता है। बता दें कि मलेशिया से आयात होने वाले माइक्रो प्रोसेसर्स चिप को भारत टेक्निकल ग्राउंड्स पर बैन करने का विचार कर रहा है। मलेशिया के बाजारों में भारत द्वारा पाम ऑयल पर प्रतिबंध लगाने के बाद हड़कंप मचा हुआ है। मलेशिया के व्यापारियों को भारत का बड़ा बाजार न मिलने से नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से कई व्यापारियों ने मलेशिया के प्रधानमंत्री की आलोचना भी की है। इसके अलावा मलेशिया के दो प्रांतों के प्रमुखों ने भी महातीर मोहम्मद के रुख को लेकर उनकी सार्वजनिक आलोचना की है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत दुनिया में वनस्पति तेल का सबसे बड़ा आयातक है और सालाना करीब 1.5 करोड़ टन वनस्पति तेल खरीदता है। इसमें पाम ऑयल की हिस्सेदारी 90 लाख टन है, जबकि सोयाबीन और सनफ्लावर तेल की हिस्सेदारी 60 लाख टन है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।